Kabaddi, 9 Kabaddi, 8 Kabaddi, 7 Kabaddi, 6 Kabaddi, 5 Kabaddi, 4 Kabaddi, 3 Kabaddi, 2 Kabaddi, 1 Kabaddi. एक ही डिफेंडर है यू मुंबा में हरिंदर जो कि विकास पे भारी पड़ा है अभी अभी हरिंदर ने आउट किया था ये रोहित बालियान ने क्या कर दिया क्या सुपर रेड है ये 33 नंबर 33 गिनती मतलब सुपर रेड के चांसेस रेडर से थ्री पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स बिल्कुल ये सुपर रेड है तो विकास कंडोला ने खाता खोल दिया है जबरदस्त तरीके से Super tackle, 2 points, U Mumba. तो संदीप और फजल ने मिलकर के ये शिकार किया है क्योंकि पहला टच संदीप का था ये शिकार संदीप के नाम जाएगा लेकिन सुपर टैकल के दो बेशकीमती पॉइंट्स मिलेंगे संदीप को जिसका डर था वही हुआ यू मुंबा ऑल आउट दो बड़ी गलतियां हुई सुरेंद्र सिंह ने गलत टैकल करने की कोशिश की विकास कंडोला को बिना किसी एंगल के और उसके बाद संदीप नरवाल चले गए डू और डाई में और ये वन पॉइंट ईच दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा पॉइंट्स यहां बढ़ गए यू मुंबा को दो मिलने चाहिए क्योंकि सुपर टैकल ऑन था सुपर टैकल 2 पॉइंट यू मुंबा बिल्कुल डिफेंडर ऑफ द मैच 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स 2 पॉइंट यू मुंबा को मिले हैं लेकिन रिवाइवल एक मिलेगा क्योंकि एक ही रेडर आउट हुआ है सुपर टैकल में तो उसके 2 पॉइंट मिलते हैं रिवाइवल एक मिलता है तो मुंबई 3 खिलाड़ी थे और 3 ही रहेंगे सिर्फ 4 पॉइंट का फासला बाकी है 12 मिनट का वक्त बाकी है काफी एडवांस था लेकिन उसके बावजूद कामयाब रेडर आउट 1 पॉइंट यू मुंबई सेल्वामणि शुरुआती मुकाबले में फर्स्ट 7 में थे और क्यों थे ये उन्होंने बताया फजल अत्रचली ने डाइव लगाई और बहुत मजे से बोनस प्लस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स बोनस और एक टच पॉइंट लेकर के चले गए और यहां अब फिर 2 डिफेंडर हो गए हैं अभिषेक क्या इनमें से किसी का शिकार करेंगे रवि और चांद सिंह रवि ने ब्लॉक करने की कोशिश लेकिन चांद सिंह ने कमाल किया है यहां पर रेडर आउट सुपर टैकल 2 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स सुपर टैकल के 2 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के नाम एक और सुपर टैकल हरियाणा ने कर लिया तो लीड बहुत विशाल काय हो जाएगी और मुंबई दिक्कत में आ जाएगी हरियाणा ने इससे पहले एक सुपर टैकल ये देखिए एक और कामयाब सुपर टैकल रेडर आउट 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स है चांद सिंह ने लगातार बेहतर कर रहे हैं चांद सिंह कोई शक नहीं चांद ने अपने विरोधी को तारे दिखा दिए हैं और डू और डाई में विकास कंडोला पर अब दबाव होगा विकास कंडोला को हरिंदर ने आउट किया था पहली रेड में जो फजल के साथ चेन में है इस बार फजल संदीप की जोड़ी कमाल की है रेडर आउट 1 पॉइंट यू मुंबा मिनट 1 फजल के नाम टैकल है लेकिन ये टैकल कामयाब इसलिए हुआ कि संदीप सपोर्ट में टाइमली आए वरना विकास निकल जाते इस बार सुपर टैकल नहीं हुआ संदीप नरवाल 2 पॉइंट ले गए सेल्वामणि ने पहले टीम का ऑल आउट बचाया था इस बार नहीं बचा पाए हरियाणा अब ऑल आउट बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स रेडर आउट 1+2 3 पॉइंट यू मुंबा ऐसी गलतियां अगर आप करेंगे यू मुंबा तो जीत नहीं पाएंगे रेडर से 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 7 यू मुंबा की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि आखिरी 10 मिनट में आखिरी लम्हों में वो अपने संयम और संतुलन को बना करके नहीं रख पाए हैं सीजन 7 में और इसका बड़ा खमियाजा अब तक चुकाया है उन्होंने यू मुंबा फजल अत्रचली ने संदीप को कहा है कि बॉक लाइन से पीछे आ जाएं, उसको घेरने की जरूरत नहीं है क्लियर करने में क्योंकि उन्हें इस बात की भी चिंता है कि फासला 7 पॉइंट से कहीं ज्यादा का ना हो जाए बशर्ते ये आखिरी रेड है इसके बाद संभवतः आप रेड देख नहीं पाएंगे हरियाणा स्टीलर्स के नाम ये जीत यहां पर हो चुकी है पिछला मैच 11 पॉइंट से हारने के बाद आज हरियाणा ने डिफेंस में सुधार किया है और रेडिंग में विकास कंडोला सुपर 10 भले ही ना पूरा किया हो लेकिन बैक टू बैक 9 रेड पॉइंट का ये प्रदर्शन विकास कंडोला को
वीवो प्रो कबड्डी के सबसे बड़े स्टार रेडर्स की सूची में शामिल करता है। और हरियाणा पिछला मैच हारने के बाद गलतियों से सबक लिया, यू मुंबा को 3 पॉइंट से हराया।